खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और UFT न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रशासन को दिशा निर्देश दिए और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, पर प्रशासन लगातार CM योगी के आदेश को ताक में रखकर मौज कर रहा है। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर जनपद के किशनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि 3 महीने पूर्व किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहोरा मोड़ के पास एक सड़क हादसे पर 2 नवयुवकों की जान चली गई थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने ट्रैक्टर मालिक और ट्रैक्टर चालक के नाम नामजद तहरीर किशनपुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रशासन ने ट्रैक्टर को लाकर थाने में खड़ा कर दिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है, जिसको लेकर आज पीड़ित पक्ष का पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया है, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द चार्जशीट लगवाने की बात कही है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया, प्रशासन सत्ता पक्ष के कुछ बड़े नेताओं के दबाव में आकर चार्जशीट बदलने की साजिश कर रहे हैं। पीड़ित ने यह भी बताया कि किशनपुर थाना क्षेत्र में इटोलीपुर में 10 दिन पूर्व एक हादसे पर एक वृद्ध की जान चली गई थी, जिस पर ट्रैक्टर को पकड़कर थाने में खड़ा कर दिया गया और अब उसी ट्रैक्टर को दिखाकर पूर्व में हुए हादसे के ट्रैक्टर को छोड़ना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बड़े नेताओं के सामने प्रशासन घुटने टेक देता है या फिर पीड़ित पक्ष की मदद करता है। आप कहां से आए हैं? सोनेबाउ से। आपको क्या मैटर है? सर, 2 अप्रैल को हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग दरे पर ही मर चुके। अच्छा, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसमें आपने एप्लीकेशन दिया है? जी सर, एप्लीकेशन दे दिया थाने पर। किस चीज से हुआ था? ट्रैक्टर से हुआ था। किसके ट्रैक्टर से? शिवचंद प्रधान मड़ौली। अच्छा, ड्राइवर कौन था? चिलमिल यादव। नामजद आपने दिया था? जी सर, नामजद किया था। अच्छा, 3 महीने हो गए, अभी तक उसकी चार्जशीट नहीं लगी? नहीं लगी है सर। तो दारोगा जी से आप मिले हैं? जी सर, हम दारोगा जी से मिले तो दारोगा जी बोल रहा था कि हमारे ऊपर सत्ता पक्ष का दबाव लगा हुआ है, इस करके हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर बदल दो, आपको हम दूसरा ट्रैक्टर दे रहे हैं, आप उसमें से आपको क्लेम मिल जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमें उसी ट्रैक्टर का, हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो हमें उसी ट्रैक्टर का चाहिए, उसी ट्रैक्टर से। जी सर। तो उनके ऊपर सत्ता पक्ष का ज्यादा दबाव है? जी सर, वो बोल रहे थे कि अगर तुम ज्यादा वो करोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा क्लेम, अगर उसी ट्रैक्टर के पीछे रहोगे तो हम दूसरा ट्रैक्टर दे रहे हैं, उसमें से तुमको क्लेम मिल जाएगा। अच्छा, तो हमने बोला कि हमें यही ट्रैक्टर से हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, इसी से चाहिए हमें। वो ट्रैक्टर कहाँ है जिससे एक्सीडेंट हुआ? ट्रैक्टर यही थाने पे खड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा कौन सा ट्रैक्टर लगाना चाहते हैं? इटोलीपुर में 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। उसमें से वो बोल रहे हैं आपको उस ट्रैक्टर पे लगा देते हैं तो उसमें से आपको क्लेम मिल जाएगा। अच्छा, जो इटोलीपुर वाला एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक आदमी खत्म हो गया था? जी सर। तो उसी ट्रैक्टर को दिखा रहे हैं? हाँ, तो बोल रहे हैं कि वो ट्रैक्टर तीन महीने से वो ट्रैक्टर खड़ा किए है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सर। अच्छा, तो ये चीज डिक्लियर है कि ट्रैक्टर खड़ा है थाने में? जी, ये डिक्लियर पूरा कन्फर्म है, हमें हमने देखा है अपने आंखों से। अच्छा, यही ये जो ट्रैक्टर की फोटो में ये खड़ा है ट्रैक्टर, यही ट्रैक्टर है ना? जी सर, यही है। चलो ठीक है।